चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की स्टडी करेंगे। तो क्रूड ऑयल आप चार्ट पे देख रहे हैं, हमने डेली चार्ट पे ये 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन के साथ MACD और RSI इंडिकेटर के साथ हमने चार्ट ड्रॉ किया है। अब इसके चार्ट के बेसिस पे स्टडी करेंगे क्रूड ऑयल का टेक्निकल चार्ट पे क्या रुझान निकल कर के आया है। तो आप ये देख रहे हैं टेक्निकल, ये जो हमारा जो 9th अक्टूबर से ये मूवमेंट आया हुआ है, 9th अक्टूबर से कंटिन्यू हुए अप ट्रेंड में है क्रूड ऑयल। तो यहाँ से ही कंसोलिडेशन के साथ साथ ये डबल टॉप बना करके यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने। तो ब्रेकआउट का जो ये लेवल निकल कर के आया है, ये लेवल कितना सस्टेन करने वाला है, इसके ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे थ्रू चार्ट। तो सबसे पहले RSI देखते हैं। RSI ये जो पीछे का जो टॉप था 26 सितंबर का, उसी के आसपास आ चुका है। तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके ऊपर निकले तभी हम ट्रेड मानेंगे। और ये हम प्राइस इसके ऊपर जा चुके हैं, लेकिन RSI जस्ट इसके आसपास में है। मींस ये डाइवर्जन हो सकता है, मतलब RSI का डबल टॉप और प्राइस हायर हाई बना दिया, इट्स मींस इसको बेयरिश डाइवर्जन बोलते हैं। मीन्स ए डाइवर्जन ना हो करके डबल टॉप बना करके ये नीचे की तरफ RSI आने के लिए तैयारी करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम बाई करेंगे। तो अभी क्रूड ऑयल में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, यहाँ से क्रूड ऑयल में गिरावट आ सकती है। ये तो RSI की बात हो गई। सेकेंड थिंग ये जो मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ तक कम से कम फिसलना चाहिए। और यहाँ से ये बहुत ऊपर जा चुका है, आप देख रहे हैं। ये जो लेवल था 11 सितंबर को 50 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस किया था, तो ये RSI मूविंग एवरेज का जो लेवल था 47.5, मतलब $47.5। ये डॉलर में ही आप समझ के चलो, डॉलर के बेस पे ही हम इंडियन कमोडिटी इसी के बेस पर ट्रेड करता है इंडियन क्रूड ऑयल। तो ये आप 47.56 या $60 था, और यहाँ पे जो हमारा डॉलर है 49 के आसपास है। अब प्राइस कितना है, 52.5 मान के चलो, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया $30। तो 49 और 50 आप डिफरेंस निकालो, इसका इसके बीच का गैप कितना था। 40 ये जो इस प्राइस पे या इस प्राइस पे $49 था मूविंग एवरेज, और प्राइस था हमारा 53 एक्सप्लेन ऐड कर लो, तो आप इसका डिफरेंस जो है $4 का है। और यहाँ पे क्या है मूविंग एवरेज का प्राइस, यहाँ पे मूविंग एवरेज का प्राइस है $50 और प्राइस क्या चल रहा है 55, मींस कि $5 का डिफरेंस। तो जब भी मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज से $4 या $5 का डिफरेंस होते ही फॉल आने का चांसेज होता है, और फिर इसको सपोर्ट की तौर पे देखा जाएगा आगे आने वाले टाइम में। अगले 10-15 दिन में ये मूविंग एवरेज 51 पे शिफ्ट कर जाएगा और प्राइस भी 51 पे आ जाएगा, तो 51 से रिवर्सल आने की चांस है, मतलब क्रूड ऑयल यहाँ से $2-3 की गिरावट आ सकती है। ये तो रह गई मूविंग एवरेज के बेसिस पे। सेकेंड थिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल पे भी मैं बताऊंगा कि इसका टारगेट जो निकल के आया था $55 का ही था और वो अचीव कर चुका है, तो यहाँ से गिरने का भी सिग्नल है। इसको अगर हम हाई से बॉटम का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचेंगे, तो इसका जो टारगेट निकल के आया था 1.61% एक्सटेंशन मूव जो था वो $55 के आसपास था, और कल का 55.15, और कल का जो हाई है 55.20, तो बिल्कुल वहीं पे ये हाई बना के कल गिरावट आई है। तो 100% ये अपना टारगेट अचीव कर चुका है। इसका मिनिमम टारगेट $52, कम से कम $53, यहाँ से ये $1 की गिरने की गिरा चांस है, और उसके बाद ये 51 तक भी आ सकता है। तो ये रहा हमारा टेक्निकल चार्ट पे
क्रूड ऑयल की एनालिसिस। सेकेंड थिंग, अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेटर का किस तरीके से मदद ले सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। तो कल का हम एनालिसिस करेंगे और आज का भी लेवल निकालेंगे हम। तो सपोज कल ये आज की लेवल है, आज जो बंद, कल जो बंद हुआ है 3500 पे, लेकिन कल की जो परसों की जो क्लोजिंग थी 3528 पे थी। तो 3528 के बेसिस पे आप 0 to 180 डिग्री में आप इसको लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि 67 डिग्री ये अचीव किया है टारगेट। 67 मतलब कल का जो बाइंग था 3542 के ऊपर बाइंग था, टारगेट था 3573। कल का हाई भी वही है। और सेकेंड कल का हाई देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं, कल का 3572 का हाई है, लो है 3482 का। तो 3482 का, और यहाँ से अब सपोज 3572 का टॉप बन गया तो अब आपको क्या करना है, 3572 का हाई बनने के बाद आप इस लेवल को डालोगे तो आपका अगला स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा कि 3557 के नीचे सेल करना है। 0 to 90 डिग्री में अगर आप इसको लेते हैं 3528 के बेसिस पे, 3528 के बेसिस पे बाई करना था 38 के ऊपर, टारगेट था 3557, ए 63 डिग्री, ये टारगेट 3 हमारा अचीव किया। और टारगेट 3 के आसपास जाने के बाद हमारा एक एनालिसिस है कि अगर जो भी लेवल आती है उसको हम हाई मान लेते हैं और हाई से 3562 मतलब 10 पॉइंट नीचे आपको सेल करना था। इसका जो टारगेट था मिनिमम ये 3528 का बेसिस पे जो 63 डिग्री टारगेट है वहाँ तक फिसलने के चांसेस है। मींस कि हमने टॉप साइड में अगर इसको अचीव किया तो इन्वेंट्री के दिन आपको पता है कि अच्छा खासा वोलेटिलिटी होती है, तो अगर ये घूमेगा तो हो सकता है कि हाई से 45 डिग्री घूम जाए नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट हो, तो लेकिन ट्रेंड रिवर्सल होगा तो जहाँ जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आएगा। तो आप देख रहे हैं 3570 से गिरावट आने के बाद सीधा 3486 का इसका टारगेट निकल के आया था 3588 के बेसिस पे, अगर ये मिड पॉइंट कल की परसों की क्लोजिंग लेते हैं तो बिल्कुल। तो ये हमेशा ये एक रिवर्सल, मैंने पहले आज से दो दिन पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें शो किया था कि जब भी अपने हाई से 90 डिग्री घूम जाए, मीन्स 90 डिग्री आप निकालोगे तो 3572 का हाई से आप 90 डिग्री का टारगेट 3515 के नीचे एक कन्फर्म, ये 90 डिग्री मतलब 3510 मान लो, 3510 के नीचे कन्फर्म शॉर्ट था, पोजिशनल शॉर्ट। तो अभी एंगल एनालिसिस के बेसिस पे भी पोजिशनल हम डाउन साइड में आ गए, तो आपको हायर लेवल पे बेचना है और लेवल एनालिसिस के बेसिस पे ही बाई और सेल करना है। अब रह गई बात कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके बेसिस पे जो बाई सेल लेकर निकल के आया है तो 3510 के ऊपर बाई करना है, टारगेट होगा 3530। 3530 पे 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि 3530 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, या तो आप बाई नहीं करते हैं तो किसी कारणवश 3530 का लेवल मिलता है तो आप वहाँ हाई सपोज बना करके, अगर सपोज यही हाई बन गया तो उसके बेसिस पे आप सेल करेंगे तो 3520 के नीचे मूव करेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट होगा 3480-3470। तो ये रहा हमारा आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।